ओम शांति। आज 8 मार्च 2022 है और आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली हम सबके पुरुषार्थ का एक टारगेट है कि हमको बाबा ही याद आए, क्योंकि वही एक अल्टीमेट रास्ता है जिससे कि हम अपने परमधाम को और नई दुनिया में पहुंचेंगे। अब इस रास्ते में चलते हुए बहुत सारे साइट सीन्स होते हैं जिसमें कुछ मित्र संबंधियों का होता है। तो मित्र संबंधियों से देखिए संबंध नहीं तोड़ना है। अगर आप उनके साथ संबंध तोड़ते हैं तो वो भी आपको याद आएगा ज़रूर, परंतु आपने ममत्व को मिटाना है। ममत्व नहीं होना चाहिए, बाकी अवश्य आप रखिए, संबंध रखिए, उसकी मना नहीं है। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है? बाबा ने उत्तर दिया, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। ये बाबा ने ध्यान पर हमारे खिंचवाया, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी वो ये शब्द बोल सकते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं ये कहता हूँ, बच्चे बच्चे कहना, ये बाबा ही कह सकते हैं, दूसरा कोई तो कह ही नहीं सकता है। वो तो आर्टिफिशियल लगता है, ये दिल से लगता है। तुम्हें निश्चय है ये नया ज्ञान नई विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। फिर बाबा ने आज का जो हमें गीत बाबा की मुरली में है वो है भोलेनाथ से निराला। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है, एक बाप होता है हद का जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, वो सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं, ये है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे, शंकर का कार्य ही अलग है, वो देने वाला नहीं है, एक ही निराकार है जिससे वर्षा मिलता है। ने बाबा ने तीन पिता बताए, एक लौकिक हद का, दूसरा पारलौकिक और तीसरा ये देवी देवता है। लौकिक से अल्पकाल का मिलता है, पारलौकिक से बेहद का वर्षा मिलता है, आत्माओं को मिलता है, परंतु ये जो देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, इनसे हमको कोई वर्षा नहीं मिलता। बाबा ने कहा कि समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, काम महाशत्रु है। ये बाबा ने जो कहा चाहिए तो मीठी जुबान भी चाहिए, ये कोई समझाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कड़क हो तो वो समझ में कम आता है। कोई समझाते हो कहते हैं कितना मीठा बोल रहा है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे रह जाते हैं, मना नहीं है। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है, कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है, ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, कृष्ण कुमारियां होती नहीं। बाबा कहते हैं कि कन्याओं का, आज की मुरली में बाबा ने कन्याओं का बहुत महत्व बताया। कन्याएं पवित्र होती हैं और कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, गौओं का गोपाल, तो इनका कन्हैया,
तो बाबा कहते हैं कृष्ण जो है, कृष्ण की कोई गौएं नहीं थी, ना ही कृष्ण ने कोई ऐसे कराए। कृष्ण कुमारियां नहीं होती, ब्रह्मा की बच्चियां होती हैं, ब्रह्मा कुमारियां। बाबा ने कहा कि ये कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा हुआ रहे, तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी मत पर चलना है। बाबा ने समझाया कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है, विष्टा के कीड़े हैं तो उन्हें भू भू कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए। बच्चों आदि को तो संभालना ही है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही रहे, ये सब चाचा देखिए बाबा बता रहे हैं। आपके जो परिवार के सदस्य हैं, वो आपके परिवार के सदस्य क्यों बने? आपका कार्मिक अकाउंट है उनके साथ, कोई दूसरा क्यों नहीं आ गया? अब हम उनको छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वो आप पीछे आएंगे। तो बाबा कहते तुमको घर को भी संभालना है, बाल बच्चों को भी संभालना है, परंतु साथ साथ ये सेवा भी करना है। बाबा ने कहा ये सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है, एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे, श्रीमत है भगवान की। फिर बाबा ने कहा बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए, सब तो नहीं बनेंगे, प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाएगी, प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चलता आया है वो 5000 वर्ष पहले भी चला था। अब बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, पार्ट बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूं, स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। बाबा ने बताया कि स्वदर्शन चक्र कोई हिंसक का वो युद्ध का अस्त्र नहीं है, ये है वास्तव में स्वदर्शन, आत्मा का दर्शन सारे कल्प में, कैसे कैसे हम क्या होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जितना स्वदर्शन चक्र हम फिराते हैं उतनी हमारी मन और बुद्धि जो है वो पर दर्शन से, साधारण बातों से, व्यर्थ बातों से मुक्त रहती है। इसलिए बाबा ने इसको स्वदर्शन चक्र कहा कि ये कोई हिंसक नहीं है, वो तो अहिंसक है। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है, तो मैं आया हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्य नारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज कथा नहीं, कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है, ये नॉलेज है। दो चीज होती है, एक होती है नॉलेज और एक होती है किससे कहानियां, कथा। बाप तो जैसे कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं ना, भाई कथाएं मत करो, जो बात है वो करो। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये कथाएं नहीं, ये नॉलेज है कि तुम कैसे लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। रुद्र माला है, फिर है विष्णु की माला, ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है ही नहीं, वर्षे से भी राजाई से भी खत्म हो जाते हैं। बाकी रहा प्रजापद, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। विक्रम बड़े जोर से होते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं कितनी वंडरफुल बात है, नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान है।
बाबा कहते हैं कभी तुमने सुना था कि भगवान स्वयं आके पढ़ाएंगे, परंतु वो हमारा सुप्रीम टीचर है, क्योंकि जो पढ़ाई वो पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कौन सी पावर था? कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो हैं जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है और यथार्थ है, व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ही है जिस समय हम चाहें हम ब्रेक लगा सकें। अब चलते रहे आधा घंटा बैठ के, उसके बाद सोच रहे हैं क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया होता तो ये ना होता आदि, अब कुछ फ़ायदा नहीं है ना। पानी में मधानी चला रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसको ब्रेक लगाना वही समझदारी है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। स्लोगन दिया बाबा ने आज, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।